संजय दत्त की बायोपिक भारी भरकम बजट में तैयार हुई है। फिल्म का नाम संजू बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक मेकर्स ने इसे फाइनल नहीं किया है। हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। 2 साल में तैयार हुई इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने 110 करोड़ रुपए में खरीदा है। रिलीज से पहले ही फिल्म ने 110 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 190 करोड़ की कमाई करनी होगी। वहीं विदेश में हिट होने के लिए 45 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि ये रणबीर कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित होगी। दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर से लेकर परेश रावल और मनीषा कोइराला जैसे बड़े स्टार्स हैं। सभी अपने किरदार में परफेक्ट हैं। फिल्म की कास्ट को फाइनल करने में मेकर्स को काफी समय लगा था। राजकुमार हिरानी का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड 100% है और उनकी हर फिल्म नया रिकॉर्ड कायम करती है। फिल्म के सेट से रणबीर कपूर के अलग अलग लुक भी सामने आ चुके हैं। फिल्म 29 जून को रिलीज होगी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।